गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के होमवर्क में हम चार सम देते हैं टवल लव। इसके थ्री पार्ट हैं, ए बी एंड सी। सम नंबर 13 इसके थ्री पार्ट हैं, ए बी एंड सी। और इस तरह से सम 14 का है, इसमें फोर पार्ट हैं, ए बी सी एंड डी। और 15 में है फोर पार्ट हैं, ए बी सी और डी। सबसे पहले सम 12 पर आते हैं। इसमें दिया गया है राइट एनी थ्री डिजिट, राइट एनी थ्री डिजिट नंबर, तीन अंकों की संख्या हमने बनानी है और वो किससे बनी हुई हो, फॉर्मेट बाय यूजिंग ऑल द फॉलोइंग डिजिट। निम्नलिखित नीचे यहाँ पर सभी दिए गए अंक हैं 1, 2 और 8, इससे बनी हुई तीन संख्याएं यहाँ पर हमने राइट करनी है। ये सबसे पहले यहाँ पर 1, 2, 8 से बनाई हमने, इनको हम अंकों को डिजिट को हम रिप्लेस करके अदला बदली करके बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इस एक तो यही बन गई 128, उसके बाद हमने 2, 1 और 8 से बना दी 218, और इसी तरह से हमने 8 और 2 को अदल बदल करके जो थर्ड नंबर है वो बना दी 821। तो इसी तरह से बी और सी का ये खुद यानी स्वयं करके लिखनी है। इनमें तीनों संख्याएं जो बी में डिजिट दे रखे हैं 7, 8 एंड 1, इन्हीं को हम अदला बदली करके इनमें तीन संख्याएं बना सकते हैं और इसे ज़्यादा ही बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर राइट करनी। इसी तरह से सी का 5, 2 और 5 जो डिजिट दे रखे हैं, इनसे हमने 3 जो नंबर हैं वो इनमें बननी है। अब सम नंबर 13 पर आते हैं। इसमें दिया गया है राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखो। यहाँ पर जो ए का पार्ट है इसमें 501, नेक्स्ट नंबर इसमें 551, 550। तो यहाँ पर दिया गया है स्मॉलेस्ट नंबर और इसके आगे ग्रेटेस्ट नंबर, ये इसके नीचे हमने राइट करनी है। इसमें सबसे पहले 100 डिजिट देखिए, 501 में 5, 551 में 5 एंड 550 में 5। 100 डिजिट है वो तीनों का समान है। उसके बाद हम 10 डिजिट देखते हैं, यहाँ पर 0 है, इसमें 5 और इसमें 5, तो यहाँ पर ये संख्या समालेष्ट बन चुकी है। तो हमने इसको यहाँ पर राइट कर दिया है, लिख दिया है 501। और बाकी दो संख्याएं बची हुई हैं 551, 550। यहाँ पर 100 डिजिट सेम है, यहाँ 10 डिजिट सेम है, यहाँ पर 1 डिजिट इसमें 1 है और इसमें 0 है, तो इसका मतलब, इसका अर्थ है कि 551 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। हमने इसको यहाँ पर राइट कर दिया है, यहाँ पर लिख दिया। तो इसी तरह से तुमने स्वयं कर लिखना है इनको। बी में तीनों संख्याओं में से 782, 872, 278 में से स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर राइट करनी है और ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर राइट करनी है। सी में भी इस तरह से संख्या हैं 442, 244, 424, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर राइट करनी है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर राइट करनी है। तो यहाँ पर हमने इनमें 12 और 13 में दो पहला आपके लिए करके दिखा दिया है, बाकी डू योर सेल्फ। यहाँ 14 पर आते हैं, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड टिक द ग्रेटेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में सबसे जो छोटी संख्या है उसके ऊपर तो हमने सर्कल करना है और सबसे बड़ी संख्या के ऊपर टिक लगाना है।
यहाँ ए का पार्ट यहाँ दिया है 165, 651, 561, 615, 516। तो इसी तरह से ये इनमें थ्री थ्री डिजिट हैं, पांचों संख्याओं में। सबसे पहले हम 100 डिजिट देख कर बनाते हैं। यहाँ पर 100 है, यहाँ 600 है, 500 है, 600 है, 500। तो जो पहली संख्या इसमें 100 डिजिट है 1 है, बाकी में 6565 ये है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जो ये 165 है वो समालेश नंबर है, इसको हमने सर्कल कर दिया। अब आते हैं अगली चार संख्याओं के ऊपर आते हैं। यहाँ 100 डिजिट 6 और इसमें भी 6, तो इसका मतलब ये 5 5 इससे छोटी हैं। अब दोनों संख्याओं में हमने जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो छांटनी है। इसमें यहाँ पर 10 डिजिट 5 है, इसमें 1 है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि 651 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो हमने इसको टिक कर दिया। इसी तरह से तुमने करके देखना, बी में जो समालेश नंबर है उसको सर्कल करना है और ग्रेटेस्ट नंबर को टिक करना है। इसी तरह से सी और डी में ये सम कर के तुम्हें देखने हैं। अब जो सम 15 है इसमें ऐड द फॉलोइंग दिया है, मतलब निम्नलिखित को जोड़ें, तो हमने इनका सम निकालना है, इनका योग निकालना है। यहाँ संख्या 175 प्लस 268, तो आपस में जुड़ने वाली संख्या, इनको हम एडेंड बोलते हैं। यहाँ पर दो एडेंड है, 175 एंड 268। तो सबसे यहाँ पर पहले जो वंस डिजिट टू वंस ऐड करते हैं, टेंस डिजिट टू टेंस, एंडर्ड डिजिट टू एंडर्ड। तो यहाँ पर 8 और 5 13 होते हैं, 13 का 3 और 1 कैरी, जिसको हम हासिल बोलते हैं, वो टेंस में ले जाएंगे। अब टेंस डिजिट जोड़ते हैं, 7 6 13, 1 कैरी 14, 14 का 4 और 1 कैरी आगे हंड्रेड में चली गई हासिल। और हंड्रेड डिजिट 2 और 1 थे, 2 और 1 3 और 1 कैरी 4, 4 के 4। तो इन 175 प्लस 268 इज इक्वल टू 443। बाकी बी सी और डी के जो सम है ये डू योर सेल्फ सम करके देखने हैं। इसकी एक जो फोटो है नीचे डाल दी जाएगी, उनको देख करके इन सभी सम्स को सोल्व करना है। धन्यवाद।